हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। भाई VTUP की तरफ से यहां पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है। अब आपकी पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं विषम सेमेस्टर की वो होली के बाद होने के चांसेस बन रहे हैं, और जो आपके एग्जाम होंगे होली के बाद वो ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन, इस बारे में चर्चा करेंगे, ऑफिशियली चीज़ें बताएंगे कि है ना। और जो UIS पोर्टल पर प्रतियोगिता हो रही है उसमें आपका क्यूज का ऑप्शन नहीं आएगा, इसमें भी हम बात करने वाले हैं ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से। जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम को जुड़ जाएं ताकि आपको टेलीग्राम पर PDFs वगैरह मिलती रहे। ठीक है भाई, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आज के पेपर में निकला हुआ है पॉलिटेक्निक होली के बाद होंगी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं। इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पर देख सकते हो, पॉलिटेक्निक नकलों से खबर प्रकाशित की गई है, और विषम सेमेस्टर के करीबन 3 लाख छात्रों की परीक्षाएं अब होली के बाद होंगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद के उच्च पदस्थ सूत्रों के माने तो होली के पहले 15 मार्च से प्रस्तावित परीक्षाएं होने से छात्रों की परेशानी होगी। 18 मार्च को होली है, हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं होली मनाने घर जाएंगे, इसके रिगार्डिंग देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बताया जा रहा है। इसीलिए छात्रों का मन परीक्षा में नहीं लग पाएगा, यहाँ पर ओपनली बोल दिया गया है। इसीलिए प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम में फेरे बदल करते हुए 22 मार्च से विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। ये न्यूज़पेपर में संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन जब तक ऑफिशियली चीज़ें लेकर नहीं आएंगी हम लोग इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, इससे विषम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं इससे पहले 20 जनवरी से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के चलते आपको पता है वो स्थगित करके 15 मार्च से प्रस्तावित की गई हैं। लेकिन अब इस बार फिर प्राथमिक शिक्षा परिषद होली को देखते हुए परीक्षा की तारीख में फेर बदल कर सकता है, यहाँ पर देख सकते हो, मतलब कर सकता है, यहाँ पर कंफर्म नहीं है, ऐसा इस न्यूज़पेपर वाले ने कहा है। और जैसे कंफर्म हो जाएगा हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। अब बात करते हैं कि जो आपके एग्जाम है वो ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन। देखिए, जब होली के बाद तो कोरोना लगभग चला ही जाएगा, तो मान के चलो कि आपके एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होंगे। हालांकि केसेस अगर बढ़ रहे हैं कोरोना के उस समय की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए उस समय कोरोना रहता है तो ऑनलाइन हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। और वैसे तो मान के चलो कि आपके एग्जाम जो होली के बाद हैं वो आपके ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमने जो पार्टिसिपेट किया है क्यूज में, तो यहाँ पर मैंने आपके डिस्कशन को कर दिया कि आपके एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होंगे। मान के चलो ऑनलाइन के चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि उस समय तो कोविड तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चों ने जो क्यूज में जिसका पार्टिसिपेट हो गया है उनका तो कंग्रेचुलेशन, अगर उन्होंने आंसर की नहीं देखिए देख लीजिएगा, आई उठन में लिंक दे दूंगा। देखिए अगर आप लोग इस तरीके से मतलब पार्टिसिपेट करते हो इसमें, तो अब देखिए क्यूज का लिंक नहीं हटा दिया गया है, इन्होंने हटा दिया है। क्यों हटा दिया गया है, इसमें कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स तो कल भी सॉल्व हो गई थी, लेकिन अभी बता रहे हैं आप लोग जब UIS पे खोलोगे तो यहाँ पर क्यूज को सिलेक्ट करोगे तो वो लिंक आ ही नहीं रहा है जिससे आप क्यूज को मतलब सिलेक्ट करके अपना क्यूज स्टार्ट कर सको। हो सकता है आज स्टार्ट कर दें, हो सकता है नहीं करें, हो सकता है कल मैंने उन्होंने 1 घंटे के लिए मतलब ये चीज लॉन्च की थी उसके बाद ऑटोमेटिक इसको हटा दिया। ठीक है, जो बच्चे ने पार्टिसिपेट कर लिया वो तो मतलब जीत गए, नाम जो भी है, जो रिजल्ट आएगा 25 को फिर पता लगेगा कौन कौन जीता है। अब जो बच्चे मतलब रह गए हैं वो परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा क्यूज में पार्टिसिपेट नहीं हो पाया है तो फिर हमें क्या मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आज ये क्यूज का लिंक एक्टिव होता है तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम को जरूर ही ज्वाइन कर लें। भाई देखिए, अगर आप मतलब लोगो डिजाइन अपलोड करोगे तो वो वहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, अभी भी आ रहा है, आप लोग जाकर इसको अपलोड कर सकते हो। तो ये आज की अपडेट रही है, जैसी मतलब कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।